हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत आवेश के मूल गुण, इसके जो दो टॉपिक बच गए हैं फ्रेंड्स, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का जो चैप्टर वन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका पार्ट थ्री है। अगर आपने पार्ट टू नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और फ्रेंड्स, उस पार्ट टू में मैंने आपको वैद्युत आवेश के मूल गुण के दो टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, और दूसरा जो टॉपिक है वो है आवेशों की योज्यता। तो उन दोनों टॉपिक को मैंने पार्ट टू में कंप्लीट करवा दिया है। और आज की इस वीडियो में हम जो दो टॉपिक बच गए हैं उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश के मूल गुण जो है, इसका जो तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कि आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम हमें पढ़ना है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है ना। और मैं आपको एग्जांपल की सहायता से भी एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी, जिससे कि आपको जो है आवेश संरक्षण का नियम जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आवेश संरक्षण का नियम तो देख लेते हैं। देखिए, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। बहुत बहुत आसान है, ठीक है ना। आवेश संरक्षण का जो नियम है बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आप फटाफट से याद कर सकते हैं। देखिए, दो लाइन का है ये, इसका जो डेफिनेशन है दो लाइन का है, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। जो आवेश है उसे उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब हम चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे। तो आयनीकरण जो क्रिया होती है, इसी के माध्यम से हमें समझना है। आयनीकरण क्रिया के माध्यम से ही हम समझेंगे आवेश संरक्षण का नियम, जिसे कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो कैसे, तो देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड, जिसे कि NaCl कहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर Na+ व Cl- जो है वो आयनों में विभक्त हो जाता है। जो सोडियम क्लोराइड है फ्रेंड्स, इसे जब हम जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर क्या होता है, जो ये सोडियम है Na, ये क्या होता है Na+। Na+ का मतलब होता है कि ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, दे रहा है, ठीक है ना, अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये दे रहा है, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो Na+ व Cl-, ये जो क्लोराइड है ये क्या हो जाता है, Cl- हो जाता है। Cl- का मतलब है, Cl- का मतलब है फ्रेंड्स कि एक इलेक्ट्रॉन ये जो है क्लोराइड जो है वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया है, और जो यहाँ पर ये क्लोराइड है फ्रेंड्स, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ओके, तो जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर ये जो सोडियम क्लोराइड है ये Na+ और Cl- आयनों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, यानी कि बट जाता है। इस क्रिया को जो है आयनीकरण क्रिया कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा नीचे से, देखिए यहाँ से आपको और अच्छे समझ में आएगा आवेश संरक्षण का नियम जो है ना, यहाँ से आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, उसे नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो जब इसको मैं आपको समझाऊंगी तो आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ सही में हम आवेश को जो है वो नष्ट भी नहीं कर सकते और उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर NaCl है और ये जो है आयनीकरण से पूर्व है, सोडियम क्लोराइड पर आयनीकरण से पूर्व जो है ना कोई इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था ना कोई इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा था, तो यहाँ पर ये आयनीकरण से पूर्व है, ठीक है। और आयनीकरण के पश्चात, ठीक है ना, आयनीकरण के पश्चात क्या है, Na+ और ये तो बीच में प्लस रहेगा ही, Cl-, यानी कि आयनीकरण के पश्चात क्या हो गया है, ये जो सोडियम है ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, और ये जो Cl है यानी कि क्लोराइड है ये ग्रहण कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आयनीकरण के पूर्व ये है और आयनीकरण के पश्चात ये है। तो आयनीकरण से पूर्व NaCl पर आवेश कितना था,
आयनीकरण से पूर्व NaCl पर आवेश आप देख रहे हैं कितना है, 0 0 है, ठीक है ना, आवेश 0 0 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 0 + 0 यानी कि 0, ओके। और आयनीकरण के पश्चात जो है वो NaCl पर आवेश कितना है, ये तो आयनीकरण से पूर्व हो गया आवेश NaCl पर, अब आयनीकरण के पश्चात आपको बताना है कि NaCl पर आवेश कितना है। तो एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो प्लस हो गया, प्लस वन ही, और यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है क्लोराइड, तो माइनस वन ही। अब हम जो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ई माइनस ई हो जाएगा, ठीक है ना, वन यहाँ पर रहता है, वन लिखिए चाहे मत लिखिए, तो ये हो जाएगा प्लस ही और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि इन दोनों में से अब यानी कि इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। बात समझ में आ गया। तो देखिए आयनीकरण से पूर्व भी NaCl पर आवेश 0 ही था और आयनीकरण के पश्चात भी NaCl पर आवेश 0 ही। तो इससे समझ में आपको आ गया होगा कि जो आवेश है वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अगर आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में आवेश संरक्षण का नियम पूछेगा तो मैंने जिस तरह आपको बताया है उस तरह से आप अगर लिख कर आएंगे तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो लास्ट बचा हुआ है वो है कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, हमें वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण बताना है। किसी वस्तु पर आवेश का जो परिमाण है फ्रेंड्स, आवेश का परिमाण वो सतत ना होकर, ठीक है ना, सतत ना होकर असतत परिमाण में होता है, इसे ही जो है आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती दी अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स किसी वस्तु पर आवेश माइनस वन ई, माइनस टू ई, माइनस थ्री ई, डॉट डॉट डॉट, या प्लस वन ई, प्लस टू ई, या प्लस थ्री ई, डॉट 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 हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी वस्तु है उस वस्तु पर आवेश जो है माइनस वन ई, माइनस टू ई, या फिर प्लस वन ई, या फिर प्लस टू ई हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उस पर जो आवेश है, उस वस्तु पर जो आवेश है वो प्लस वन अपान टू ई, प्लस वन अपान थ्री ई, या फिर माइनस वन अपान टू ई, माइनस वन अपान थ्री ई नहीं हो सकता है दादा, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो माइनस वन ई, माइनस टू ई, माइनस थ्री, या फिर माइनस फोर ई, मतलब डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो अपॉन में, जैसे कि वन अपान टू, वन अपान थ्री, माइनस वन अपान टू, माइनस वन अपान थ्री नहीं हो सकता है। तो इतना बस आप अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। आई होप सो कि जो भी कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, जो दो टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट में प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने इसका पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा, का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर पार्ट वन और पार्ट टू देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और जितने भी सारे क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट हैं उनको मैं लाइन बाई लाइन अच्छे से कम्प्लीट करवा दूंगी, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।